Welcome to the world of NIOS Pathshala. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to start the first chapter. The name of the chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Before starting this chapter, I would like to give you a short introduction. The Portrait of a Lady describes a special bond between grandmother and grandson. इस कहानी में एक स्पेशल बॉन्ड दिखाया गया है grandmother और grandson के बीच में. खुशवंत सिंह narrates how the relationship develops over the years and changes as the grandson grows up and the grandmother grows older. खुशवंत सिंह ने इस कहानी में खुद हमें बताया है कैसे वो रिलेशन डेवलप हुआ एक ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बीच में. और मैं आपको एक वर्ड और बता दूं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हमारे चैप्टर का नाम है. तो पोर्ट्रेट का मतलब हम सभी को मालूम है, एक पिक्चर. हम जब आप ये कहानी सुनेंगे, इस कहानी को सुनते समझते समझते आपके माइंड में एक पोर्ट्रेट, एक पिक्चर तैयार हो जाएगी खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर की. अब देर ना करते हुए मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. माय ग्रैंड मदर, माय, व्हाई ही सेइंग माय, बिकॉज खुशवंत सिंह हिमसेल्फ नरेटिंग दिस स्टोरी. वो खुद ये कहानी हमें सुना रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर की. माय ग्रैंड मदर, Like everybody's grandmother was an old woman. हम सबकी grandmother, हमने जब भी अपनी दादी को देखा होगा, अपनी grandmother को देखा होगा, तो हमने उनको बूढ़ा ही पाया होगा. तो जैसे खुशवंत सिंह कहते हैं, जैसे सबकी grandmother बूढ़ी होती है, वैसे ही मेरी भी grandmother बूढ़ी थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 सालों से जैसा मैं उनको देख रहा हूं वो वैसी ही बूढ़ी है और उनके चेहरे पर रिंकल है. हम लोग देखते हैं जब इंसान बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे झुर्रिया पड़ने लगती है. तो यहां पे मैंने आपके लिए रिंकल का एक सिनोनियम भी दिया है, फॉसा, FOSSA. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. But that was hard to believe. मगर इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था. खुशवंत सिंह बताते हैं कि लोग ऐसा कहा करते थे कि वो एक टाइम पर बहुत ही सुंदर थी, यंग थी, उनके हस्बैंड भी थे. मगर खुशवंत सिंह भरोसा इस बात पर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तो पिछले 20 सालों से तो वो उनको वैसे ही देख रहे थे, बूढ़ा देख रहे थे और अकेला देख रहे थे. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम. अब खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड फादर थे उनकी पिक्चर, उनकी पोर्ट्रेट कहां टंगी हुई थी? आपने देखा होगा घरों में आग जलाने के लिए एक मेंटल पीस एक जगह बनाई जाती है. उस आग जलाने के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम इंग्लिश में मेंटल पीस कहते हैं. ठीक उसके ऊपर खुशवंत सिंह की ग्रैंडफादर की फोटो टंग रही थी. मैंने यहाँ पे मेंटल पीस की मीनिंग भी आप लोगों को दी हुई है. पोर्ट्रेट की मीनिंग है अ पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और इंग्रेविंग ऑफ अ पर्सन, स्पेशली वन डिपिक्टिंग ओनली द फेस और हेड एंड शोल्डर्स. मोस्टली फोटोग्राफ जो टंगी होती है आपने देखा होगा सिर्फ शोल्डर तक होती है. मेंटल पीस की मीनिंग मैंने आपको दी है शेल्फ दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम वॉल अबव फायरप्लेस. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस मीनिंग को अपनी बुक में नोट कर सकते हैं. कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग. ही वोर अ बिग टर्बन. ही कौन? खुशवंत सिंह के ग्रैंड फादर. और उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्बन कहते हैं और आप टर्बन को अ मैन्स हेड्रेस के नाम से भी जानते होंगे.
एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो फिटिंग के नहीं थे, थोड़े ढीले ढाले थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और उनकी जो ये दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट तक आ रही थी। अब बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट क्यों बोला गया? अब चेस्ट हमारा यहां होता है, हमारा सीना, बट उनका ठीक बेस्ट पार्ट बीच में उनकी दाढ़ी आ रही थी, और उनकी फोटोग्राफ को देख के ऐसा लग रहा था कि वो करीब 100 साल के तो होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनके बीवी बच्चे तो नहीं होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देख के ऐसा लग रहा था इनके तो बस ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। ऐसा खुशवंत सिंह ने इसलिए कहा कि फोटोग्राफ में जो ग्रैंडफादर की फोटोग्राफ टंगी हुई थी उसमें उनकी उम्र करीब 100 साल की लग रही थी। 100 साल की उम्र में लोगों के पास नाती पोती बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, जस्ट अ सेकेंड, yeah, as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब मैं अगर सोचूं मेरी grandmother कभी young थी और बहुत ही खूबसूरत थी तो ये बात पे मैं यकीन नहीं कर सकता। revolting का मतलब होता है disagreeable, जिसको आप जिस बात पर आप यकीन ना करें। She often told us of the games she used to play as a child. वो हमें अक्सर बताया करती थी कि वो बचपन में गेम्स, ऐसे गेम्स खेला करती थी, पर हमें यकीन ही नहीं होता था। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल, क्योंकि हमने तो 20 सालों से अपनी ग्रैंड मदर को मैंने बूढ़ा ही पाया है। एंड अनडिग्निफाइड ऑन अ पार्ट एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस, जैसे कि अक्सर वो हमें कहानियां सुनाया करती थी, जिस कहानियों से हमें कुछ सीख मिले, हमें उनकी ये बात भी कुछ कहानी जैसी ही लगती थी। मैं उस पर यकीन नहीं करता था। She had always been short and fat, वो कद में थोड़ा छोटी थी, थोड़ी फैट थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी उनकी बॉडी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके चेहरे पे जैसे आपने क्रिस क्रॉस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को देखा होगा, ऐसी उनके चेहरे पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मतलब उनके चेहरे पे जो झुर्रियां थी वो सीधा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जा रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, बट हमने उनको जैसा देखा वो वैसी थी, हम उन्हीं ग्रैंड मदर को जानते थे जो बहुत बूढ़ी थी। ओल्ड सो टेरिबली एंड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 सालों से मुझे वो वैसी ही दिखती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी खूबसूरत नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, मगर वो खूब ब्यूटिफुल थी। अब यहां पर दो वर्ड यूज किया, वो प्रिटी नहीं थी मगर वो ब्यूटीफुल थी। आपके दिमाग में आएगा सर प्रिटी और ब्यूटीफुल तो एक होता है, प्रिटी वो उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस, उनका लुक, वो दिखने में सुंदर नहीं थी, मगर ब्यूटीफुल शी इज प्योर फ्रॉम हार्ट, वो दिल से सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप and the other telling the beads of a rosary, और वो झुक कर, वो झुक के चलती थी, और एक हाथ से वो कहीं पे स्टैंड, कहीं पे किसी चीज का सहारा लेके खड़ी होती थी, मगर एक हाथ में उनकी जो माला थी जिससे वो जाप किया करती थी, मंत्रों का उच्चारण किया करती थी, जिनसे वो भगवान को याद किया करती थी, वो उनकी रोजरी बेट चालू रहती थी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनकी मीनिंग मैं आपको बता दूं, जैसे कि हॉबल्ड का मतलब लिंप, वॉक इन एन ऑकवर्ड वे,
टिपिकली बिकॉज ऑफ पेन फ्रॉम एन इंजरी. जब लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो ऑटोमेटिक उनका शरीर बेंट झुक जाता है ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके. स्पॉटलेस का मतलब होता है एब्सोल्युटली क्लीन और प्योर इमैक्युलेट. स्टूप का मतलब होता है बेंड वंस हेड और बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, आगे की तरफ नीचे की तरफ झुकी होना. और बीट का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास स्टोन और सिमिलर मटीरियल. आप जैसे कि इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये बीट्स हैं और इनकी इस पूरी माला को हम बोलेंगे रोजरी. रोजरी का मतलब गार्लैंड, नेकलेट या फेस्टून, माला. आगे बढ़ते हैं. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर अ पेल पकर्ड फेस एंड अ लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं. लॉक्स का मतलब होता है व्हाइट स्मॉल हेयर, उनके बाल बहुत ही सफेद थे. पेल का मतलब होता है फीबल एंड अनइम्प्रेसिव, कमजोर. और पकर्ड का मतलब होता है टाइटली गैदर और कॉन्ट्रैक्ट इनटू रिंकल्स और स्मॉल फोल्ड्स. मतलब उनके जो सफेद बाल थे वो चारों तरफ अनटाइडली तरीके से फैले हुए थे. उनका जो चेहरा था वो बहुत ही कमजोर था. अब जैसे पेल का मतलब येलो भी होता है, मतलब किसी के चेहरे के को अगर रंग उड़ जाना तो बहुत चक्का रह जाए तो हम पेल फेस भी कहते हैं. पर यहां पे पेल का मतलब है कमजोर. उनका चेहरा कमजोर था. बट हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, मगर उनके होठों पे हमेशा वो प्रेयर भगवान को याद करती रहती थी. यस शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ वो खूबसूरत थी. वो खूबसूरत अपने दिल से थी. शी इज गुड फ्रॉम हर हार्ट. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. आप जब इस सीन को देखें, पहाड़ियों का सीन, तो हम जब सीनरी देखते हैं, आप हिल स्टेशन गए होंगे, आपने जब पहाड़ लैंडस्केप देखा होगा तो आपको वो बहुत ही शांत और खूबसूरत नजर आता होगा. वैसे ही खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर भी थी. वो बहुत ही काम थी, पीसफुल थी और उनको देख के बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस होता था इंसान को. आगे बढ़ते हैं. माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक अच्छे दोस्त थे. माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए. जब वो शहर गए तो मुझे छोड़ के कहां चले गए, मेरी ग्रैंड मदर के पास. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और उसके बाद हम लोग साथ में ही रहते थे, मैं और मेरी ग्रैंड मदर. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. मुझे सुबह वही उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और मुझे मेरे स्कूल के लिए वो तैयार किया करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब वो मुझे तैयार करती थी, नहलाती थी, तो वो प्रेयर जो वो बोलती थी उसे गुनगुनाती थी. वो ऐसा सोचती थी कि उन प्रेयर को मैं भी सुन लूंगा और उसको मुझे भी दिल से वो याद हो जाएगी. मगर ऐसा नहीं था. I listened because I loved her voice. मैं सुनता तो था, मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी. But never bothered to learn it. मम्मा कभी इसको याद नहीं करता था. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. अब पहले के टाइम पर बच्चे स्लेट में लिखा करते थे. वो मेरी स्लेट को रेडी करती थी with yellow chalk, a tiny earthenware pot, and handed to me. और मुझे पेन, वो पूरे बंडल को, मतलब वो स्लेट, वो रेड पेन, उन सबको बात के इंक पॉट, सारी मेरी स्टेशनरी जो मुझे स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल में होती थी, वो सबको बंडल बांध के मुझको देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्रेजेंट टू ईट हार्ड चपाती विद अ लिटिल बटर. मुझे वो खाने के लिए चपाती, उस पर थोड़ा सा बटर और थोड़ा उसके ऊपर शुगर लगाकर देती थी. वी वेंट टू स्कूल. उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे.
She carried several stale chapatis with her for the village dog. और वो अपने साथ कुछ और चपाती भी लेके जाती थी ताकि वो विलेज डॉग्स को भी खिला सके। इसी से आपको पता चलता होगा कि वो हार्ट की कितनी सुंदर थी, वो दिल से कितनी खूबसूरत थी। अब विलेज डॉग की इमेज मैंने यहां लगा रखी, बट वी ऑल नो दैट माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी ग्रैंडमदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि वो स्कूल एक मंदिर से अटैच था। द प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन होते हैं? जो मंदिरों के पुजारी होते हैं। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और स्कूल में कोई टीचर नहीं, खुद प्रीस्ट हमें अल्फाबेट, हमें मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडा आप सबके घर में एक आंगन होगा, दोनों साइड जब बच्चे बैठा करते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, जब बच्चे अल्फाबेट गाते थे, कोई प्रेयर, उस प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर जो होती थी उसे एक वॉइस में कोरस में गाते थे। माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी ग्रैंडमदर मंदिर के अंदर बैठ के होली बुक्स, भगवान की किताबें पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब मेरी पढ़ाई और उनकी जो होली बुक्स वो पढ़ती, जब वो खत्म हो जाता था, वी वुड बैक टुगेदर, हम साथ में वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब हम वापस आते थे तो सारे विलेज डॉग्स हमें मंदिर के गेट पे ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू अ होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे, वो चिल्लाते थे, वो भौंकते थे, वो लड़ते थे उन चपातीस के लिए जो हमने उनको दी थी खाने के लिए। ये सारी होली बुक्स हैं, हम सबके घर में होली बुक्स होगी, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स शहर में आराम से सेटल हो गए, This sent for us. अब वो हम लोग के लिए आए। That was a turning point in our friendship. वहीं से हमारी और मेरी grandmother की जो bond था, जो relationship था, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया। Although we shared the same room, जबकि हम same room में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me. मेरी grandmother मेरे साथ school नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं स्कूल एक English motor bus में जाया करता था। मेरे माँ बाप जो कि जब जहां वो जिस शहर में गए थे सेटल होने के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया, तो अब मेरे स्कूल मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ नहीं जाती थी, अब मैं एक English motor bus में स्कूल जाता था। देखिए क्या चेंजेस आए, पहले ग्रैंड मदर के साथ जाता था, अब शहर में जाने के बाद English motor bus से जा रहे हैं। There were no dogs in the street, और वहां पर सड़कों पर कोई डॉग्स नहीं थे। She took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और अब वो स्पैरोज को खिलाती थी, अब वो स्पैरोज को फीड करती थी। स्पैरो वी ऑल नो, हम सब ने ऐसी चिड़िया को देखा होगा। As the years rolled by, we saw less of each other, जैसे जैसे साल गुजरता चला गया अब हम लोग की मुलाकात बहुत कम होती थी, मेरी और मेरी ग्रैंड मदर की। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभार वो मुझे उठा दिया करती थी, कभी कभार वो मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं वापस आता था तो मुझसे पूछती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और मैं उनको English में ये सारी चीजें बताता था जो मैं school में सीख रहा था। This made her unhappy, और ये सब सुनकर वो थोड़ी उदास हो जाती थी। She could not help me with my lessons, क्यों? क्योंकि वो मेरी पढ़ाई में अब मेरी मदद नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school. उन्हें भरोसा यकीन नहीं होता था कि ये सारी चीजें English school में पढ़ाई जा रही है।
एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट दे वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड. और सबसे ज्यादा जिस चीज उनको परेशान किया कि स्कूल में भगवान के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा, एंड द स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स के बारे में. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए गए हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, मतलब उनको ऐसा लगा वो एक्चुअली म्यूजिक से बहुत दूर थी. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक. उनको ऐसा लगता था कि ये सब फालतू लोगों के लिए है, अच्छे इंसान के लिए संगीत से क्या मतलब. शी सेड नथिंग बट अ साइलेंसमेंट डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ कहा नहीं, मगर उनके साइलेंस ने ये साफ साफ बता दिया कि उनको ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगी है. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद अब मुझसे बहुत कम बात किया करती थी. When I went up to the university, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own. मुझे वहां पर रहने के लिए अपना खुद का एक रूम दिया गया. The common link of friendship was snapped. और अब जो थोड़ा बहुत हमारी दोस्ती बची थी, अब वो भी खत्म हो गई. My grandmother accepted her seclusion with resignation. और मेरी grandmother ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब उनको अकेला तन्हा ही रहना है. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो हमेशा अपनी स्पिनिंग व्हील में बिजी रहती थी. स्पिनिंग व्हील की फोटोग्राफ आप देख सकते हैं. ये एक चरखा होता है कॉटन की मदद से, इसमें हम लोग धागे बनाते हैं. वो अपनी स्पिनिंग व्हील में बिजी रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय स्पिनिंग व्हील. सुबह से शाम तक जब तक रोशनी रहती थी वो अपनी स्पिनिंग व्हील के साथ रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और साथ ही साथ उनकी प्रेयर्स भी चलती रहती थी. तो मैंने यहां पे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग भी दी हुई है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी बुक में इसको नोट भी कर सकते हैं. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज. इसके पहले हमने देखा कि वो सुबह से शाम तक अपनी स्पिनिंग व्हील में बिजी रहती है. बस वो दोपहर में थोड़ा वक्त लेती थी रिलैक्स होने के लिए, और उस टाइम पर वो स्पैरोज को, इतनी सारी स्पैरोज उनके पास आती थी, यहां पर बहुत सारी स्पैरोज दिखाई दे रही होंगी, उन्हें फीड किया करती थी. व्हाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल ब्रेड. वरांडा में बैठ के ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी. हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैड लैम ऑफ चिल्ड्रन. और कई सौ स्पैरोस आती थी, चिड़िया आती थी, और उनके शोर, मतलब कि अनअवॉर्डेबल इतना ज्यादा शोर होता था. जैसे कि यहां पे आप बेडलैम एक वर्ड है जिसे आप मैड हाउस कह सकते हैं. मैड हाउस जहां से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, तो जब इतनी सारी चिड़िया आएंगी तो ठीक वैसी ही आवाज आएगी जैसी मैड हाउस में आती है. आगे बढ़ते हैं. सम केम एंड पर्च्ड, सम केम ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैर के ऊपर बैठती थी. अदर्स ऑन अ शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स के ऊपर. इतनी सारी बर्ड्स आती थी. सम इवन सैट ऑन अ हेड, कुछ तो उनके सिर के ऊपर बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड गो अवे बाय वेविंग वन आर्म एट देम अवे. वो कभी भी उन्हें शू मतलब हम जब किसी को अपने पास से हटाते हैं. इंग्लिश मैंने मीनिंग आपके लिए सारे वर्ड्स की दी हुई है. जब हम किसी को अपने पास से हटाते हैं. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और पूरे दिन का सबसे खुशनुमा टाइम, खुशनुमा वक्त उनके लिए यही आधा घंटा होता था जब वो इन बर्ड्स को फीड किया करती थी वरांडा में. कुछ बर्ड्स उनके नेक पे, कुछ उनके हेड पे, कुछ उनके शोल्डर्स पे आके बैठा करती थी. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे फॉरेन जाना है, I was sure my grandmother would be upset. मुझे पक्का मालूम था कि मेरी grandmother बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगी. I would be away for 5 years. मैं करीब 5 साल दूर रहा. And at her age, one could never tell. और 5 साल के लिए मैं दूर रहा तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं कभी लौट के आऊंगा तो मुझे क्या वो जिंदा मिलेंगी भी. But my grandmother could. मगर मुझको वो जिंदा मिली. She was not even sentimental. वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी.
शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे ड्रॉप करने रेलवे स्टेशन पे आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, मगर उन्होंने मुझसे ना कोई बातचीत करी ना मुझे कुछ इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो प्रेयर बोलती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वो भगवान की से प्रार्थना करती रही। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, अपनी माला जपती रही। साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं जाने वाला था तो उन्होंने मेरे फॉरहेड पे किस किया, वो लास्ट इम्प्रिंट लास्ट इंप्रेशन था उनका जो मैं अपने साथ लेकर गया, और हमारे उनके बीच में वही एक लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था। बट दैट वॉज नॉट सो, मगर चीजें यही खत्म नहीं हुई। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, 5 साल बाद में अपने घर वापस आया, मेरी उनसे मुलाकात रेलवे स्टेशन पे हुई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन और ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, वो जैसी 20 साल से थी बिल्कुल वैसी अभी भी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग अ प्रेयर्स, अभी भी उन्होंने मुझसे कुछ शब्द नहीं बोला, बस उन्होंने मेरा आर्म्स पकड़ा चलना स्टार्ट कर दिया और अभी भी वो अपनी प्रेयर ही बोल रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows, whom she fed longer, and with frivolous come over in the evening. अब मेरे आने के बाद भी वो उनकी खुशी मुझसे ज्यादा उन स्पैरोज में थी जिनको वो हर दोपहर को फीड किया करती थी, जिन्हें दाने दिया करती थी वो। In the evening a change came over, शाम को कुछ बदलाव आया। She did not pray. उस दिन उन्होंने प्रे किया ही नहीं। शी कलेक्टेड द वेमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास ही कुछ औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने एक ड्रम, एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे मंगाया, बजाना स्टार्ट किया और गाना स्टार्ट किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड स्केल्स ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम एंड सॉन्ग सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कई घंटे तक वो ड्रम को बजाती रही और वो जो गाना गा रही थी जैसे कि कोई वॉरियर अपनी वॉर खत्म करके अपने घर वापस आया हो उसके स्वागत में वो वैसे गाने गा रही थी। वी हैड टू परसुएड टू डू समथिंग हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, हमें उनको हम रोकना चाहते थे, हमने उनको रोका कि वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस ओवर कोई चीज ना करे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस I had known her that she did not pray. और उस दिन पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने प्रे नहीं किया, उन्होंने प्रे के अलावा कोई और काम किया। मतलब खुशवंत सिंह पिछले 20 सालों से अपनी ग्रैंड मदर को प्रे करते हुए देख रहे थे। The next morning she was taken ill, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. एक मामूली सा बुखार था, डॉक्टर्स ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे, बुखार चला जाएगा। बट माय ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली, मगर मेरी ग्रैंडमदर तो कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने बताया कि उनकी मौत उनका अंत नजदीक आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, बस अब कुछ ही पल बचे थे उनके जिंदा रहने के, उन्होंने अपना प्रे करना फिर से शुरू किया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो अपना बिल्कुल भी वक्त बातचीत में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको रोकना चाहा, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, मगर उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड, वो शांति से अपने बेड पे लेटे लेटे अपनी माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम अ लाइफलेस फिंगर्स, हम जब तक ये पता लगा पाते कि वो मर चुकी है उससे पहले ही उनके लिप्स ने प्रेयर बोलना बंद कर दिया और उनके हाथ में वो जो माला का जाप कर रही थी वो उनकी उंगलियों से गिर के नीचे गिर गई जमीन पर। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन अ फेस
एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. उनके चेहरे पे एक शांति छा गई थी और हमें साफ साफ पता चल रहा था कि नाउ शी वॉज नो मोर, अब वो मर चुकी है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद हर विद अ रेड श्राउड. अब जैसे कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसको ग्राउंड पे लेटाते हैं जमीन पे, और उस पर एक कपड़ा जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेव क्लोथ, केयर क्लोथ के नाम से जानते हैं, तो हमने उनको एक रेड श्राउड, एक डेड बॉडी के ऊपर एक कवर बना, वो क्लोथ एक ऐसा कपड़ा ऊपर कवर कर दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, जब कोई मरता है तो हम लोग शोक मनाते हैं, तो कुछ घंटे शोक मनाने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, तो हम सब उनके फ्यूनरल, उनकी शव यात्रा का अरेंजमेंट करने चले गए. ऑलराइट, इन द इवनिंग वी वेंट टू अवर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर. अब स्ट्रेचर आपने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे जिन पे बॉडीज को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो शाम को हम उनके रूम में स्ट्रेचर लेकर गए. टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मतलब उनका दाह संस्कार करने के लिए. राइट, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. सूरज बहुत ही ब्राइट था, उसकी रोशनी वरांडा तक आ रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम बस आधे रास्ते पहुंचे थे, हम रुक गए. ऑल ओवर द वरांडा एंड अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टेफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज स्टार्ट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. और जब उस वरांडा के हम आधे ही हमने क्रॉस किया तो हमने देखा चारों तरफ कौन थी, स्पैरोज थी, वो सारी बर्ड्स थी जिनको वो हर आफ्टरनून फीड किया करती थी, उन्हें दाने डाला करती थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, और जबकि मैंने आपको वर्ड बताया था मैड हाउस, पागल, जैसे कि कोई हमें वो मैड हाउस हम जिसको बोलते हैं जिस घर से बहुत शोर आता है, मगर आज ऐसा नहीं था, आज सन्नाटा था. वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माय ब्रदर मदर फिश सम ब्रेड फॉर देम, हम सबको बहुत ही बुरा लग रहा था उन बर्ड्स के लिए. मेरी मदर उन बर्ड्स के थोड़ा ब्रेड लेने गई, शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए ब्रेड के, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उन लोग को दिए. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, किसी भी स्पैरो ने उस खाने पर ध्यान नहीं दिया. वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम उनकी डेड बॉडी को लेकर आगे बढ़े, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो सारी बर्ड चुपचाप उड़ के चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर जो कि साफ सफाई करने वाला होता है, उसने उन ब्रेड टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया. तो माय डियर फ्रेंड्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है. इस चैप्टर में हमने एक रिलेशनशिप देखी एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन की. ग्रैंड मदर जो कि मोस्टली प्रेयर्स ही बोलती रहती थी, और ग्रैंड सन जो कि उनके साथ रहा काफी टाइम तक, फिर वो नेक्स्ट दूसरी जगह शिफ्ट हुए, फिर वो अब्रॉड गया, तो कैसे कैसे चेंजेस लाइफ में आते गए, ऐसे ही हमारे आपके साथ भी है. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से अगर मैं आपको बोलूं एक मैसेज हमें क्या मिलता है, तो मैसेज सिर्फ यही मिलता है, अ बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन, एक रिलेशनशिप. ये बॉन्ड, ये रिलेशनशिप, ट्रस्ट, इनोसेंस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन के साथ आती है. एक टीचर की एक स्टूडेंट के साथ, एक मदर की एक डॉटर के साथ, एक फ्रेंड की एक फ्रेंड के साथ. सो प्लीज, आज के बाद आपका किसी से भी रिलेशनशिप बॉन्ड हो उसे स्ट्रांग रखिएगा, ऑनेस्टी के साथ अपने रिलेशन को निभाइएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस चैप्टर, यू कैन कॉल ऑफ ऑन 7380515253, एंड दिस इज द वेबसाइट दैट इज nios.vision.co.in. That's all about today. Thank you very much. Have a nice day and
Take care.